हेलो एवरीवन, दिस इज ममता मोन। आज हम मॉडल क्वेश्चन पेपर्स क्लास सिक्स का कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टाइम अगर चैनल में आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन क्लास सिक्स का। क्वेश्चन नंबर वन, सॉल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर ये सॉल्व द फॉलोइंग है क्वेश्चन नंबर वन का। एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ए रेशियो। स्टेटमेंट दिया गया है उसको हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। स्टेटमेंट को रेशियो कन्वर्ट द स्टेटमेंट इनटू रेशियो। राघवज वेट इज थ्री टाइम्स दैट ऑफ राम्स वेट। थ्री टाइम्स दैट ऑफ राम्स वेट। सपोज द राम्स वेट इज वन एंड राघवज वेट विल बी थ्री टाइम्स, दैट इज थ्री। सो रेशियो विल बी थ्री डिवाइडेड बाई वन। रेशियो ऑफ राघवज वेट टू राम्स वेट। सो राघवज वेट यहाँ पे लिखोगे राघवज वेट डिवाइडेड बाई राम्स वेट। Which is three times divided by one. Suppose Ram's weight is one or x, then Raghava's weight will be three times x. Three times Ram's weight, that is 3x or 3. So it will be 3 divided by 1. So the ratio of Raghava's weight to Ram's weight hoga 3 divided by 1. So ratio hoga 3 divided by 1. 3 is to 1. अभी क्वेश्चन नंबर टू, एक्सप्रेस 90:120 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में ये रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो 90:120 मतलब 90 डिवाइडेड बाय 120। ये जीरो एंड जीरो कैंसिल हो जाएगा। अभी 9 डिवाइडेड बाय 12 एंड अभी उसका हाइस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है 9 और 12 का। वो हाइस्ट कॉमन फैक्टर विल बी 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 3 मल्टीप्लायर विथ 3 और 12 का होगा प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लायर विथ 2 मल्टीप्लायर विथ 3। सो दोनों में कॉमन फैक्टर है 3। सो एचसीएफ हो जाएगा 3। अभी ये जो न्यूमरेटर डेनोमिनेटर ये जो इसको 9 को डिवाइड करोगे 3 के साथ एचसीएफ 9 डिवाइडेड बाय 3 12 डिवाइडेड बाय एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट। ये एंटीसीडेंट है 9 कॉन्सिक्वेंट है 12। तो 9 डिवाइड करोगे 3 के साथ तो 3 हो गया और 12 डिवाइडेड बाय 3 हो गया 4। सो 3 डिवाइडेड बाय 4। सो एक्सप्रेस 90:120 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4। 3 डिवाइडेड बाय 4 इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है 3 डिवाइडेड बाय 4। जब कभी भी रेशियो को कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, पहले उसका ये हाइस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हाइस्ट कॉमन फैक्टर जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के उसका कॉमन फैक्टर निकाल के उसको दैट विल बी द हाइस्ट कॉमन फैक्टर। फिर उसको दो एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट दैट इज द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर के साथ उसको हाइस्ट कॉमन फैक्टर को डिवाइड करना है। तो जो निकलेगा दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दैट रेशियो, वो हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म, वो रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर थ्री दिया गया है, चेक वेदर 4524 इज डिविजिबल बाय 4। वी हैव टू चेक 4524 डिविजिबल, 4 के द्वारा डिविजिबल है कि नहीं चेक करना है। तो एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द लास्ट टू डिजिट, मतलब लास्ट टू डिजिट वो नंबर का लास्ट टू डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर डिविजिबल होगा 4 के साथ। तो यहाँ पे लास्ट टू डिजिट है 24 एंड 24 डिविजिबल बाय 4। 24 डिवाइडेड बाय 4 इज 6। सो इट इज डिविजिबल बाय 4। 24 इज डिविजिबल बाय 4। सो 4524 भी डिविजिबल होगा 4 के साथ। 24 इज डिविजिबल बाय 4। सो 4524
भी डिविजिबल होगा 4 के साथ, क्योंकि 24 लास्ट टू डिजिट 24 डिविजिबल हो रहा है 4 के साथ, तो वो ये नंबर 4524 ये नंबर 4 के द्वारा डिविजिबल होगा। जब एनी नंबर को, कोई भी नंबर को डिविजिबल करना है 4 के साथ, तो उसको उसका लास्ट टू डिजिट देखना है। वो लास्ट टू डिजिट अगर 4 के द्वारा डिविजिबल है तो वो नंबर डिविजिबल होगा 4 के साथ। पूरा वो बड़ा सा नंबर को डिविजिबल नहीं करना पड़ेगा 4 के साथ, खाली देखना पड़ेगा लास्ट टू डिजिट वो डिविजिबल हो रहा है 4 के साथ कि नहीं। अगर डिविजिबल हो रहा है लास्ट टू डिजिट 4 के साथ, तो वो नंबर, तो बड़ा सा नंबर, वो नंबर डिविजिबल होगा 4 के साथ। अगर वो लास्ट टू डिजिट 4 के द्वारा डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो वो बड़ा सा नंबर 4000 जो भी होगा वो नंबर डिविजिबल नहीं होगा 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 4.4 सेंटीमीटर यूजिंग द रूलर। अभी यहाँ पे ऐसे रूलर में, रूलर मतलब जो स्केल होता है, वो रूलर में ए बी, ए बी, ए बी यहाँ पे 4.4 लेके यहाँ पे ए बी हो गया, ये 4.4 सेंटीमीटर का लेंथ वो रूलर में मेजर करके 4.4 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है इतना। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एक्स यूनिट्स, फाइंड द पेरिमीटर ऑफ द ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होता है, ए 1 2 3 तीनों साइड इक्वल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ए बी सी, यहाँ पे ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, यहाँ पे दिया गया है एक्स यूनिट, उसका साइड लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। अभी एक ही साइड का, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक ही साइड दिया गया है, तो दोनों दूसरा साइड भी ये एक सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होता है। अभी पेरीमीटर, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स, यहाँ पे ट्रायंगल है तो थ्री साइड्स है, यहाँ पे अगर क्वाड्रिलेटरल होगा तो सम ऑफ ऑल द फोर साइड्स, स्क्वायर होगा तो सम ऑफ ऑल द फोर साइड्स ऐसे करते हैं। तो पेरीमीटर होगा एक्स यूनिट प्लस एक्स यूनिट प्लस एक्स यूनिट, दैट इज 3x यूनिट, और 3 मल्टीप्लाइड विथ लेंथ ऑफ द साइड, दैट इज 3 मल्टीप्लाइड विथ लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये हो गया उसका फॉर्मूला। पेरीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला है 3 मल्टीप्लाइड विथ लेंथ ऑफ वन साइड, दैट इज 3x। यहाँ पे x दिया गया है, वन साइड दिया गया है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो तीनों साइड सेम होगा x x x, तो पेरीमीटर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड विथ, 3 साइड से तो 3 मल्टीप्लाइड विथ लेंथ ऑफ वन साइड, दैट इज 3x यूनिट। यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया गया, तो यूनिट लिखना पड़ेगा 3x यूनिट। अगर यूनिट नहीं लिखोगे मार्क भी कट सकते, तो इसीलिए यूनिट लिखना पड़ेगा 3x यूनिट। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इज द रेशियो 3 मिलीमीटर टू सेंटीमीटर। यहाँ पे मिलीमीटर दिया गया है और यहाँ पे सेंटीमीटर, तो पहले हाँ कन्वर्ट करना पड़ेगा हायर यूनिट को, ये सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर है 10 मिलीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा 20 मिलीमीटर, तो रेशियो होगा 3 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर होगा 3 डिवाइडेड बाय 20, 3 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 20 मिलीमीटर, 3 डिवाइडेड बाय 20, तो रेशियो हो गया 3 डिवाइडेड बाय 20। That is 3:20।
क्वेश्चन नंबर 7 फॉर्म द एक्सप्रेशंस फॉर द स्टेटमेंट्स बिलो फॉर्म एक्सप्रेशन फॉर द स्टेटमेंट्स बिलो फर्स्ट बिट है सम ऑफ 5 टाइम्स टी एंड 2 5 टाइम्स यहां पे 5 टाइम्स 5 टाइम्स मतलब 5 मल्टीप्लाइड विद टी सम ऑफ 5 टाइम्स टी 5 टाइम्स टी मतलब 50 हो गया एंड सम ऑफ 2 प्लस 2 तो यहां पे 5 टाइम्स टी मतलब 50 हो गया फिर प्लस 2 ये हो गया उसका एक्सप्रेशन सेकंड में है प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई वेरिएबल है एक्स एंड वाई उसका प्रोडक्ट एडेड टू 5 तो पहले x और y को प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई फिर एडेड टू 5 ऐड करना है 5 के साथ तो x y प्लस 5 ये रहा एक्सप्रेशन सम ऑफ 5 टाइम्स t एंड 2 मतलब 5t प्लस 2 प्रोडक्ट ऑफ x एंड y एडेड टू 5 मतलब xy प्लस 5 अभी क्वेश्चन नंबर 8 ऑब्जर्व द गिवन इमेज एंड फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स यहाँ पे एक इमेज दिया गया है ये है रेक्टेंगल के अंदर है इमेज यहाँ पे सर्कल और ट्रायंगल्स ट्रायंगल से सर्कल स्क्वायर यहाँ पे और एक ट्रायंगल है फिर स्क्वायर और एक ट्रायंगल तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है 1, 2, 3, 4 तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है 4 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज 4 और नंबर ऑफ सर्कल्स सर्कल है 1, 2 तो उसका रेशियो रेशियो है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स टू नंबर ऑफ सर्कल्स तो 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2 2 जा 4 2 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 2 इज टू 1 ये हो गया उसका रेशियो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल है 2 इज टू 1 क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर दैट इज स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट यहां पे नंबर से इंटीजर्स का इंटीजर है 0 -6 -3 3 -2 इसको हम इसमें भी कर सकते हैं मिडिल वन इज 0 नंबर लाइन में 0 और यहां पे -1 फिर यहाँ माइनस 3 फिर यहाँ पे -4 -5 -6 यहाँ पे -6 है 0 है -3 -2 फिर यहाँ पे 3 तो 0 यहाँ पे 0 है तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट तो यहाँ पे पहले होगा -6 जीरो सिक्स प्लस सिक्स स्मॉलेस्ट नंबर होगा -3 लेफ्ट टू राइट जा रहा है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट तो -3 के बाद -2 -3 -2 फिर -3 -2 फिर 0 हो गया 0 फिर 3 फिर 6 यहाँ पे 3 है फिर ग्रेटेस्ट नंबर हो गया ग्रेटेस्ट नंबर होगा 6 पॉजिटिव 6 पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव इंटीजर और स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा -3 -2 फिर 0 फिर 3 फिर 6 तो ये रहा असेंडिंग ऑर्डर
इंटीजर्स का असेंडिंग ऑर्डर है माइनस थ्री माइनस टू जीरो थ्री एंड सिक्स. स्मॉलेस्ट इंटीजर है माइनस थ्री और ग्रेटेस्ट इंटीजर है प्लस सिक्स, दैट इज पॉजिटिव इंटीजर सिक्स. क्वेश्चन नंबर टेन दिया गया है एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज सिक्स एंड देयर प्रोडक्ट इज 300. फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर्स. फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ. एचसीएफ मल्टीप्लाइड विद एलसीएम. तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिया गया है 300. 300 इक्वल टू एचसीएफ दिया गया है 6 मल्टीप्लाइड विद एलसीएम. एलसीएम निकालना है तो एलसीएम हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 6. 6 5 30 0 तो 50. तो एलसीएम होगा 50. तो एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 50. तो एलसीएम होगा 50. अभी मॉडल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे. डिवाइड 20 पेंस बिटवीन शीला एंड संगीता इन द रेशियो ऑफ 3:2. 20 पेन दिया गया है उसको शीला और संगीता के बीच में डिवाइड करना है 20 पेन को 3:2 के रेशियो में. तो टोटल पेंस दिया गया है 20 पेंस और रेशियो दिया गया है 3:2. तो टोटल रेशियो हो जाएगा 3 + 2 = 5. अभी 20 पेंस को शीला और संगीता के बीच में 3:2 में डिवाइड करना है. तो टोटल रेशियो है 5 और शीला को देना है 3 / 5, 3/5 ऑफ, एंड संगीता को मिलेगा 2/5 ऑफ 20 पेंस. सो नंबर ऑफ पेंस शीला 3 / 3+2, टोटल रेशियो हो गया 3 5 5 मल्टीप्लाइड विथ 20 पेंस टोटल. तो 12 पेंस हो गया शीला का. और अभी नंबर ऑफ संगीताज पेन, नंबर ऑफ पेंस ऑफ संगीता 2 / 5 मल्टीप्लाइड विथ 20. 5 4 = 20, 2 4 = 8. तो अभी 8 पेंस हो गया संगीता के पास. सो 20 - 12 = 8 और 20 - 8 = 12. 12 + 8 = 20. सो टोटल पेन यहाँ पे संगीता को मिला 8 पेन, शीला को मिला 12 पेंस. सो नंबर ऑफ पेंस फॉर शीला इज 12, नंबर ऑफ पेंस फॉर संगीता इज 8. तो 12 पेंस मिला शीला को और 8 पेंस मिला संगीता को. क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है. देयर आर 14 बॉयज एंड 12 गर्ल्स इन ए क्लास. फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज. बॉयज है, नंबर ऑफ बॉयज इज 14, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 12. सो रेशियो हो जाएगा रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉयज. नंबर ऑफ गर्ल्स है 12, नंबर ऑफ बॉयज 14. तो 12 और 14 का हाइस्ट कॉमन फैक्टर निकलना. 12 का प्राइम फैक्टर है 2 × 2 × 3 और 14 का हाइस्ट कॉमन ये प्राइम फैक्टर है 2 × 7. तो 2 2, तो हाइस्ट कॉमन फैक्टर निकला 2. तो 12 डिवीजन ऑफ 2, तो 2 को डिवाइड करने एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो 6 / 7. ये हो गया रेशियो. सो नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इज 6 / 7 और 6:7.
हिंदी लिख सकते हो रेशियो। अभी क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ड्रॉ द लाइन सेगमेंट्स MN ऑफ लेंथ 5.1 सेंटीमीटर यूजिंग रूलर एंड कंपास। मैं यहाँ पे और रूलर कंपास यूज नहीं कर रही हूँ। अगर रूलर कंपास का यूज करने का देखना है तो वो मैं उसका प्लेलिस्ट बनाई हूँ, वो जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का लाइन सेगमेंट, वो ड्रॉ करने का लाइन सेगमेंट, एंगल, सर्कल, ये सब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो प्लेलिस्ट भी मैं लिंक रखूंगी यहाँ पे जो ये डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेंथ MN मेजरिंग 5.1 सेंटीमीटर यूजिंग रूलर एंड कंपास। तो ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर देना लाइन, फिर यहाँ पे M, फिर वो कंपास में यहाँ पे एक आर्क लेना 5.1 मेजर करके रूलर में, तो 5.1 सेंटीमीटर और यहाँ पे M, दिस इज MN ऑफ लेंथ 5.1 सेंटीमीटर। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक रख दूंगी, वहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। वो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के बारे में बहुत सारा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, ये न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स का क्लास 6 का भी अपलोड की हूँ उसका प्लेलिस्ट, NCERT का भी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री अपलोड हुआ है और कंपोजिट मैथमेटिक्स का भी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का प्लेलिस्ट अपलोड हुआ है, तो वहाँ से भी चेक कर सकते। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग इंटीजर्स विदाउट एनी यूनिट विथ एन एप्रोप्रिएट साइन। फर्स्ट बिट दिया गया है हेलीकॉप्टर। ए हेलीकॉप्टर 980 मीटर अबोव द सी लेवल। अबोव मीन्स पॉजिटिव और बिलो मीन्स नेगेटिव। सो 980 मीटर मीन प्लस 980 और विदाउट प्लस 980, दिस इज पॉजिटिव इंटीजर। सो हेलीकॉप्टर 980 मीटर अबोव द सी लेवल, दिस इज रिप्रेजेंटेड विथ पॉजिटिव साइन, दैट इज 980 पॉजिटिव इंटीजर में रिप्रेजेंट होगा, 980 ही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड बिट में है। ए लॉस ऑफ 550 रुपीज। लॉस मीन्स नेगेटिव साइन, सो माइनस ऑफ 550 रुपीज, सो नेगेटिव 550 होगा इस माइनस। ए लॉस ऑफ 550 रुपीज मीन्स नेगेटिव ऑफ 550, दिस इज नेगेटिव इंटीजर। क्वेश्चन नंबर थर्ड बिट दिया गया है। ए कोल माइन लोकेटेड 900 मीटर बिलो द सी लेवल। बिलो मीन्स नेगेटिव, माइनस 900 होगा आंसर। ए कोल माइन लोकेटेड 900 मीटर बिलो द सी लेवल, दिस स्टेटमेंट विल बी रिप्रेजेंटेड विथ माइनस 900, दिस इज ए नेगेटिव इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 15 है। देयर आर 32 पीपल ट्रेवलिंग ऑन ए बस, आउट ऑफ विच 7 आर चिल्ड्रन एंड रेस्ट आर एडल्ट्स। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एडल्ट्स टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल। सो टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 32 एंड टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज गिवेन 7। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज 7, नंबर ऑफ एडल्ट्स विल बी टोटल पीपल माइनस नंबर ऑफ चिल्ड्रन। सो टोटल पीपल दिया गया है 32 माइनस नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 7, 32 माइनस 7 इज 25। सो रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एडल्ट्स, सो रेशियो होगा नंबर ऑफ एडल्ट से 25 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल। टोटल नंबर ऑफ एडल्ट से 25 है, नंबर ऑफ पीपल है 32। सो 25 डिवाइडेड बाय 32 होगा आंसर।
तो द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एडल्ट्स टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल होगा 25 डिवाइडेड बाय 32। इसका तो कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा, इसीलिए दिस इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलता तो इसको डिवाइड करते न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, फिर उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आता। यहाँ पे कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पे कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 25 डिवाइडेड बाय 32 दिस इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हिच इज ग्रेटर 3:2 और 5:4? 3 डिवाइडेड बाय 2, 5 डिवाइडेड बाय 4 में कौन सा नंबर ग्रेटर है? तो यहाँ पे अगर क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 × 4 = 12 डिवाइडेड बाय उसका 2 × 4 ही देगी, और इसका 5 × 2 = 10 8। तो 12 डिवाइड बाय 8 इज ग्रेटर नंबर, 12 न्यूमरेटर 12 इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर 10। सो 12 ग्रेटर देन 10, सो 12 डिवाइडेड बाय 8 इज ग्रेटर देन 10 डिवाइडेड बाय 8 होगा। तो यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर देन 5 डिवाइडेड बाय 4 होगा। ये भी एक मेथड है, फर्स्ट मेथड। और सेकंड मेथड में होगा, सेकंड मेथड होगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे और इसको इक्विवेलेंट रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। एलसीएम होगा 4, 2 और 4 का डेनोमिनेटर 2 एंड 4 का एलसीएम होगा 4, और 3/2 को इक्विवेलेंट रेशियो करेंगे। तो यहाँ पे डेनोमिनेटर को इक्वल करेंगे एलसीएम के साथ, तो यहाँ पे 2 है डेनोमिनेटर, और 2 मल्टीप्लाई करेंगे किस नंबर के साथ, तो एलसीएम के साथ इक्वल होगा 4। तो 2 टेबल 2 में 2 × 2 = 4, तो यहाँ पे न्यूमरेटर 3 को भी मल्टीप्लाई होगा ये 2 के साथ, तो 3 × 2 = 6, और फिर 5 / 4, यहाँ पे 5 / 4 है और यहाँ निकला 6 / 4, तो 6 > 5 हो रहा है, और 6 / 4 > 5/4, तो ये 3/2 इज ग्रेटर, यहाँ पे जैसे 3/2 ग्रेटर निकला। तो which is greater means 3:2 is greater, so 3:2 is greater than 5:4, so 3:2 is greater ratio। जब कभी भी रेशियो में कंपेयर करना है तो फर्स्ट मेथड को क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, और उसका डिवाइड करोगे डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हो, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसका न्यूमरेटर को कंपेयर करोगे। यहाँ पे न्यूमरेटर 12 और 10 निकला, तो 12 ग्रेटर देन 10 है, तो 12 / 8 इज ग्रेटर देन 10/8 हुआ। और सेकेंड मेथड में होगा, उसका पहले एलसीएम निकाल के फिर उसका इक्विवेलेंट रेशियो में कन्वर्ट करना है, वो जो रेशियो दिया होगा। फिर इक्विवेलेंट रेशियो में दोनों में कंपेयर करेंगे न्यूमरेटर को, दोनों का डेनोमिनेटर तो इक्वल होगा, उसका न्यूमरेटर को कंपेयर करना, जहाँ पे न्यूमरेटर जिसका भी न्यूमरेटर ग्रेटर नंबर होगा दैट इज द ग्रेटर रेशियो। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, आर द फॉलोइंग रेशियोज प्रोपोर्शनल, 15:200 और 5:30। प्रोपोर्शनल मींस 4 नंबर्स आर प्रोपोर्शनल इफ ए इज टू बी इज इक्वल टू बी सी इज टू डी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल होना चाहिए, दैट इज प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे 15/200, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, तो 15 को डिवाइड करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज 5। 15 और 200 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 5, तो 200/5, तो 340। और यहाँ पे निकल रहा है 5/30 है, ये 5/30, तो दोनों दिज आर नॉट इक्वल, 3/40 इज नॉट इक्वल टू 5/30। तो दिज रेशियोज आर नॉट प्रोपोर्शनल,
not proportional, no. Are the following ratios proportional? No, no. The answer. These ratios 15:200 and 5:30 are not proportional. Question number 18 है, ratio of teachers to the students in the school is 1:8. If there are 520 students in the school, find the number of teachers. So for 8 students, there is only one teacher. For 8 students, there is one teacher. तो फॉर वन स्टूडेंट के लिए कितना होगा, 1/8, फिर 520 स्टूडेंट्स, फॉर 520 स्टूडेंट्स देयर विल बी 500, 1/8 मल्टीप्लाइड विथ 520, तो इसका वैल्यू होगा 8 6 48, 8 5 4 65. तो 65 टीचर, 65 टीचर और 65 अगर मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, यहाँ पे जो 65 मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ, 8 5 4 4, 8 6 48 + 4, 520 स्टूडेंट्स भी निकल रहा है, तो दिस इज करेक्ट. तो 65 टीचर्स होगा. So number of teachers will be 65. So the number of teachers in the school is 65 and number of total students is 520. For 520 students, there are 65 teachers in the school. Question number 19 is, if Susan is Y years at present, then solve the following. First bit में है, Susan's grandfather is 6 times as old as Susan. How old is her grandfather? Susan is Y years old at present and Susan's grandfather is 6 times as old as Susan. How old is her grandfather? So 6, Susan's grandfather's age will be 6 times. 6 times means 6 multiplied with y. Susan is 6 y years. So 6 times. Times means 6 times means 6 multiplied with age old age Susan. Susan year is y. So 6 multiplied with y is 6y. So 6y hoga answer. So her grandfather is 6y years old. Second bit mein hai, the age of her father is 5 years more than thrice Susan's age. Find her father's age. Susan is y years at present. Age of her father is 5 years more than thrice of Susan's. So Susan's father's age will be Susan's father's age will be 5 years more. 5 years more means 5 years more than 3 thrice. Thrice means 3 times, 3 multiplied with Susan's age. Susan is y years. So 3y. So 5 plus 3y years age is Susan's father's age. So Susan's father's age is 5 plus 3y years. Question number 20 है, construct an angle measuring 50 degree using a protractor and draw the bisector of the angle using ruler and compass. Perpendicular bisector कैसे draw करते हैं उसका मैं already playlist upload कर चुकी हूँ. NCRT playlist भी check कर सकते हो. Practical geometry NCRT. Practical geometry. Here, ये क्या?
कॉम्पोजाइट मैथमेटिक्स, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। और एक न्यू लर्निंग कॉम्पोजाइट मैथमेटिक्स, पूरा फुल चैप्टर का प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का पूरा कंप्लीट चैप्टर का प्लेलिस्ट अपलोड हुआ है, एनसीईआरटी का भी हुआ है, कॉम्पोजाइट मैथमेटिक्स भी हुआ है, न्यू लर्निंग कॉम्पोजाइट मैथमेटिक्स का भी हुआ है, मैथ्स का प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का प्लेलिस्ट ये चेक कर लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे दिया गया है कंस्ट्रक्ट एन एंगल मेजरिंग 50 डिग्री, तो प्रोट्रैक्टर में 50 डिग्री ऐसे ड्रॉ करना, 50 डिग्री मतलब यहाँ पे ही आ रहा है, यहाँ से 50 डिग्री हो गया। फिर यूजिंग ए प्रोट्रैक्टर, प्रोट्रैक्टर में हो गया 50 डिग्री। फिर ड्रॉ द बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मींस उसका बाइसेक्टर करना, यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ पे और यहाँ से एक बाइसेक्टर लेना। ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल यूजिंग रूलर एंड कंपास, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री का बाइसेक्टर होगा 25 डिग्री, तो बाइसेक्टर होगा 25 डिग्री, ये होगा 25 डिग्री, टोटल का लिया था 50 डिग्री, ऐसे करके बाइसेक्टर रूलर कंपास यूज करो। अभी क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, अरेंज द गिवन रेशियो इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, 2:5, 1:3, 6:7 एंड 5:9। ये रेशियो को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करेंगे, तो यहाँ पे पहले उसका एलसीएम निकालेंगे, डेनोमिनेटर का एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ 5, 3, 7, 9, ये सब डेनोमिनेटर 5, 3, 7, 9 का डेनोमिनेटर का एलसीएम, तो यहाँ पे 9 हो गया, 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 3:3 है, तो एलसीएम होगा 3:3 मल्टीप्लाइड विथ 5:7, क्योंकि यहाँ पे 2 3s है, यहाँ पे सिंगल 3s है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ 3s 2 टाइम्स, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 7, तो क्या 9, 5 = 45, 45 = 7, 28 and 35, तो 315 हो गया उसका एलसीएम। तो अभी ये सब रेशियो को इक्विवेलेंट रेशियो इक्वल टू द एलसीएम निकालेंगे, तो डेनोमिनेटर यहाँ पे 5 है, तो 2 डिवाइडेड बाय 5 को, ये नंबर डेनोमिनेटर 5 को कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करने से ये इक्वल टू 315 होगा, एलसीएम 315 के साथ इक्वल होगा, वो 5, 9, 7, 63 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को तो 315 होगा, तो मल्टीप्लाई सेम नंबर 63 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर 2 के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई टू 63 हो गया 126 हो गया, ये एलसीएम हो गया 315। अभी सेकेंड रेशियो दिया गया है 1:3, 1:3 को भी इक्विवेलेंट रेशियो कन्वर्ट करेंगे, तो जिसका 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कौन सा नंबर के साथ, तो उसको इक्वल टू द एलसीएम होगा, तो कौन सा नंबर होगा 3, 105 होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 105 को भी न्यूमरेटर 1 के साथ, अभी थर्ड रेशियो दिया गया है 6/7, 6:7, तो डेनोमिनेटर 7 को भी कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से उसका ये एलसीएम 315 के साथ इक्वल होगा, जो 7, 4 = 28, 3 = 35, 7, 5 = 30, तो न्यूमरेटर 6 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 45,
यहाँ पे 45 के साथ मल्टीप्लाई हुआ डेनोमिनेटर, तो मल्टीप्लाई होगा 6, न्यूमरेटर भी 45 के साथ, तो 6 मल्टीप्लाई विथ 45 होगा, 6 फोर जा 24 और ये 30, तो 270 होगा। फिर 5:9, 5 डिवाइडेड बाय 9 को भी इक्विवेलेंट रेशियो कन्वर्ट करेंगे, तो 9 को कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करने से 315 होगा, तो 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 हो गया, तो 9 3 जा 27, 3 35, तो मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर 5 भी 35 के साथ, तो 5 मल्टीप्लाई भी 35 होगा, 5 3 जा 15 और ये 25, तो 175 होगा। तो यहाँ पे अभी अभी सब में डेनोमिनेटर इक्वल है 315, जो एलसीएम भी 315 के साथ इक्वल हो रहा है, तो ये सब इक्विवेलेंट रेशियो 2 डिवाइडेड बाय 5 का इक्विवेलेंट रेशियो है 126 डिवाइडेड बाय 315, ये सब इक्विवेलेंट रेशियो है। तो अभी उसका कंपेयर करेंगे ये सब रेशियो का, इक्विवेलेंट रेशियो को, तो यहाँ पे सबका डेनोमिनेटर सेम है, इक्वल है 315, तो तभी यहाँ पे न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे, तो न्यूमरेटर यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट नंबर, तो यहाँ पे 270 ग्रेटर न्यूमरेटर है, फिर 270 के बाद 175, फिर 126, फिर 105, तो गिवन रेशियो इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, तो 270 का इक्विवेलेंट रेशियो है 6 डिवाइडेड बाय 7, तो 6:7 ग्रेटर रेशियो है, फिर 6:7 के बाद 175, इसका है 5 डिवाइडेड बाय 9, 5:9, फिर उसके बाद 126, 2 डिवाइडेड बाय 5, 2:5, 2:5, फिर उसके बाद 1:3, 1 डिवाइडेड बाय 3, 1:3, तो ये हो गया इक्विवेलेंट ये रेशियोज का डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंजिंग द रेशियोज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये निकला 6:7, फिर उसके बाद 5:9, 2:5, नेक्स्ट 1:3। तो डिसेंडिंग ऑर्डर और रेशियो ये 6:7, 5:9, 2:5, 1:6, ये हो गया उसका अरेंजिंग द रेशियो इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जब कभी भी मैं ये रेशियो को ये कंपेयर करेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर एसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे, तब फर्स्ट अगर इक्विवेलेंट रेशियो नहीं है तो उसका पहले एलसीएम निकाल के फिर उसको कन्वर्ट करेंगे इक्विवेलेंट रेशियो में, जो उसका डेनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा एलसीएम के साथ, फिर उसका न्यूमरेटर को चेक करेंगे, जिसका न्यूमरेटर का नंबर जो ग्रेटर नंबर होगा दैट इज द बिगेस्ट नंबर बिगेस्ट रेशियो, और जिसका स्मॉलेस्ट होगा दैट इज न्यूमरेटर स्मॉलेस्ट होगा तो स्मॉलेस्ट रेशियो होगा। तो यहाँ पे डिसेंडिंग द रेशियोज इन डिसेंडिंग ऑर्डर आर 6:7, 5:9, फिर 2:5, फिर 1:3, तो 6:7, 6 डिवाइडेड बाय 7 इज द ग्रेटेस्ट रेशियो एंड 1:3 इज द स्मॉलेस्ट रेशियो। क्वेश्चन नंबर 22 है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5t = 35। यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है 5t = 35, इसका सॉल्यूशन मतलब t का वैल्यू हमको निकालना है, व्हाट इज t, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है 5 मल्टीप्लाइड विथ t इक्वल टू 35, तो ये 5 ट्रांसपोज होगा राइट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है,
तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हुआ है 5 मल्टीप्लाइड विथ टी, ट्रांसपोज जहाँ पे ट्रांसपोजिशन इक्वेशन में ट्रांसपोज जब होगा ये 5 मल्टीप्लीकेशन, जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा 5 तभी ये मल्टीप्लीकेशन चेंजेस टू डिवीजन, तो टी इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई ये मल्टीप्लाइड चेंजेस टू डिवीजन हो जाए, मल्टीप्लीकेशन चेंजेस टू डिवीजन, तो 5 7 35, सो टी का वैल्यू निकला 7, टी इज 7, सो टी इज 7 7. सो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज 7, टी इज 7. क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, कंस्ट्रक्ट द सर्कल ऑफ रेडियस 2.9 सेंटीमीटर एंड मार्क इट्स सेंटर एज ओ, मार्क 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी ऑन द सर्कल, जॉइन द पॉइंट्स विद द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ ओ ए ओ बी ओ सी. यहाँ पे रेडियस दिया गया है 2.9 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ पे जो 2.9 सेंटीमीटर मेजर करके रेगुलर ये कंपास में 2.9 सेंटीमीटर कंपास में मेजर करके रूलर में रूलर के 2.9 के साथ फिर रूलर से कंपास से यहाँ से पॉइंट यहाँ पे रख के फिर उसका ऐसे उसको सर्कल ड्रॉ करना है 2.9 का सर्कल, तो मैं इसे रॉक भी कर रही हूँ उसको कंपास यूज करना. इसका मैं अपलोड हो चुका है उसका प्लेलिस्ट प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एनसीईआरटी बुक का भी की हूँ, ये कंपोजिट मैथमेटिक्स न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. और पहले जो वीडियो भी अपलोड हुआ था मॉडल क्वेश्चन पेपर्स उसमें भी वो लिंक अपलोड हुआ है, उसमें भी देख सकते हैं. फिर यहाँ पे 2.9 सेंटीमीटर फिर उसका हो गया, फिर मार्क इट सेंटर ओ, इसको सेंटर ओ कोई मार्क करना है लेवल करना है, फिर मार्क 3 पॉइंट्स ए बी सी, यहाँ पे सब कुछ ए यहाँ पे हुआ बी तो कुछ बी दिस इज सी, तो मार्क द पॉइंट 3 पॉइंट्स ए बी सी ऑन द सर्कल, दिस इज ऑन द सर्कल इंटीरियर ऑन द सर्कल आउट एक्सटीरियर, जॉइन द पॉइंट्स विद द सेंटर ऑफ द सर्कल, जॉइन द पॉइंट्स विद द सेंटर, ओके वहाँ पे इसको जॉइन कर फाइंड द लेंथ ऑफ ओ ए ओ बी ओ सी, अभी इसको मेजर करोगे कंपास रूलर में और यहाँ पे लिखना है, तो जिसका मेजर होगा 2.9 सबका सेम ही होगा 2.9 करके क्योंकि ये रेडियस दिया गया है 2.9 तो ये भी रेडियस है 2.9, ये ओ बी भी रेडियस है 2.9, ओ सी ऑल्सो 2.9, सो ओ ए 2.9 सेंटीमीटर होगा, OB भी 2.9 सेंटीमीटर होगा, OC भी 2.9 सेंटीमीटर होगा, तो रेडियस ऑलवेज इक्वल टू सेम होगा, सब में रेडियस सेम होगा 2.9 यहाँ पे दिया गया तो 2.9. क्वेश्चन नंबर 24 है, ए स्कूबा डाइवर वाज 50 मीटर बिलो, बिलो मींस -50 द सी लेवल, ही मूव्ड अप, ऑफ मीन्स 15 मीटर प्लस 15, फाइंड द करेंट पोजिशन ऑफ द स्कूबा डाइवर, स्कूबा डाइवर वॉज माइनस 50 मीटर बिलो एंड ही मूव ऑफ 15 मीटर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे दोनों नेगेटिव इंटीजर है माइनस 50, दिस इज नेगेटिव इंटीजर और ये पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर ऐड हुआ है पॉजिटिव इंटीजर के साथ, ये वन बोथ आर डिफरेंट साइन, व्हेन वी ऐड टू इंटीजर डिफरेंट साइन में जब ऐड होगा तभी सब्ट्रैक्ट होगा, स्मॉलर इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करोगे बिगर इंटीजर के साथ, तो स्मॉलर इंटीजर 15 है बिगर इंटीजर 50 है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा 50 - 15 - 35 और उसका साइन होगा बिगर नंबर का साइन, बिगर नंबर का साइन है नेगेटिव माइनस है तो यहाँ पे माइनस में आएगा आंसर, तो -35 ये -35 होगा, तो ये 35 मीटर करंट पोजीशन ऑफ द स्कूबा डाइवर इज 35 मीटर बिलो
बिलो द सी लेवल होगा, बिलो होगा स्कूबा डाइवर का करंट पोजीशन होगा बिलो, बिलो 50 मीटर बिलो। क्वेश्चन नंबर 25 है, थ्री फ्रेंड्स स्टार्टेड वॉकिंग टुगेदर इन द मॉर्निंग, थ्री मेजर्स द मेजर्स ऑफ द ऑफ देयर स्टेप्स वेर 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली एंड द लीस्ट डिस्टेंस, मतलब एलसीएम निकालेंगे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द फ्रेंड्स हु वॉक सच दैट ऑल ऑफ देम कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन द कंप्लीट स्टेप। तो एलसीएम ऑफ 30 सेंटीमीटर 40 60, तो एलसीएम ऑफ 30 40 एंड 60 का एलसीएम होगा, ये प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 इज 2, 3 जा 6, 6 5 जा 50, 6 5 जा 30, 8 का हो गया 3, 2 2 2, 8 5 जा 40, फिर 60 का होगा 2, 4 3, 12, 12 5 जा 60। तो अभी यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम 2 इज 3 टाइम्स है, तो 2 2 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 भी सिंगल 3 है यहाँ पे, तो 3 होगा, फिर 5 भी सिंगल टाइम 5 है तो 5 है, तो दिस इज एलसीएम। 2 मल्टीप्लाइड 2 इज 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120 मीटर होगा एलसीएम। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द फ्रेंड्स दैट शुड लीस्ट डिस्टेंस ईच ऑफ द फ्रेंड्स शुड वॉक सो दैट ऑल ऑफ देम कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप इज 120 मीटर। 120 मीटर इज द आंसर, दिस इज द 120 मीटर। यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 40 60 प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसका एलसीएम होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, दैट इज 2, 3 टाइम्स है तो 8 हो गया, फिर 1 टाइम 3 है 8 3 जा 24 24 मल्टीप्लाइड विद 1 टाइम 5 24 5 जा 120 मीटर। सो लीस्ट डिस्टेंस इज 120 मीटर। क्वेश्चन नंबर 26 है, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ मेजरिंग 90 डिग्री यूजिंग रूलर एंड कंपास, इसका भी वीडियो अपलोड हो चुका है एनसीईआरटी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कंपोजिट प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एंड न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स बुक का भी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और जो प्रीवियस वीडियो में भी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 90 डिग्री तो यहाँ पे रॉक में मैं ड्रॉ कर रही हूँ, तो यहाँ से मेजर का फिर सेम मेजर में 60 120 फिर यहाँ से एक आर्क, इधर से एक आर्क, फिर यहाँ से एक आर्क, ये हो गया 90 डिग्री। ये हो गया 90 डिग्री यूजिंग रूलर एंड कंपास, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी हाउ टू ड्रॉ 90 डिग्री, उसका शॉर्ट्स भी अपलोड होता है, शॉर्ट्स में भी देख सकते हो, शॉर्ट्स लिंक का भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, शॉर्ट्स प्लेलिस्ट का शॉर्ट्स में भी बनाई थी और वो उसका एनसीईआरटी कंपोजिट न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक का सब प्रैक्टिकल ज्योमेट्री पूरा चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर अपलोड हो चुका है, उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में कर दूंगी और शॉर्ट्स का भी हाउ टू मेजर हाउ टू ड्रॉ 90 डिग्री उसका भी शॉर्ट्स में भी अपलोड हुआ था, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 27 है, ए हॉक इज फ्लाइंग 320 मीटर एबोव, एबोव मीन्स 320 पॉजिटिव द सी लेवल एंड ए फिश इज स्विमिंग 2 मीटर बिलो माइनस 2 फ्रॉम द सी लेवल, फाइंड द डिफरेंस इन देयर एलिवेशन। तो 320 मीटर माइनस ऑफ डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्ट होगा माइनस ऑफ
ये माइनस टू है तो माइनस टू होगा, तो 320 ये माइनस मल्टीप्लाइड होगा माइनस के साथ तो प्लस हो जाएगा प्लस टू, तो 322 मीटर होगा उसका डिफरेंस। सो डिफरेंस इन देयर एलिवेशन इज 322 मीटर होगा आंसर, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, इन सेक्शन ए 20 स्टूडेंट्स राइट विथ पेन्स एंड 16 राइट विथ पेंसिल, इन सेक्शन बी 14 ऑफ द स्टूडेंट्स राइट विथ पेन्स एंड 10 राइट विथ पेंसिल्स, व्हिच सेक्शन हैज अ लोअर रेशियो पेन यूजर्स टू पेंसिल यूजर्स। इन सेक्शन ए रेशियो इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स राइट विथ पेन्स is 20, number of pens, number of students write with pencil is 16. In section B, ratio of number of students write with pens is 14 and number of students write with pencil is 10. तो यहाँ पे ये इसको simplest form में करेंगे तो ये इसका 20 और 16 का highest common factor है 4, 4, 4, 5 जा 20, 4, 4 जा 16, तो यहाँ पे इसका हाइस्ट कॉमन फैक्टर है 14 और 10 का 2, 2, 7 जा 14, 2, 5 जा 10, 5 डिवाइडेड बाय 4 एंड 7 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पे डेनोमिनेटर अनइक्वल है, डिफरेंट डेनोमिनेटर है, तो पहले इसको रेशियो इक्विवेलेंट रेशियो कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट एलसीएम, एलसीएम ऑफ 4 एंड 5 का एलसीएम हो गया 20, फिर उसको डेनोमिनेटर 4 को इक्वल करेंगे एलसीएम 20 के साथ, इसका भी डेनोमिनेटर 5 को इक्वल करेंगे एलसीएम 20 के साथ। तो यहाँ पे फाइव डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पे डेनोमिनेटर 4 है, 4 मल्टीप्लाइड होगा 5 के साथ तो इक्विवेलेंट इक्वल होगा 20 के साथ, तो एलसीएम है 20, तो 4 मल्टीप्लाई करोगे कौन सा नंबर के साथ, तो एलसीएम 20 के साथ इक्वल होगा, 4 5 जा 20 होगा, तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर को भी 5 मल्टीप्लाई होगा सेम नंबर 5 के साथ, तो 5 5 जा 20। तो फिर यहाँ पे है ये 4, 7, 5, 7 डिवाइडेड बाय 5, फिर यहाँ पे डेनोमिनेटर 5 कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इक्वल होगा एलसीएम 20, तो 5, 4 जा 20, तो न्यूमरेटर 7 भी मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, 7, 4 जा 28। तो व्हिच सेक्शन इज लोअर रेशियो, लोअर रेशियो का 25 इज लेस देन 28, तो यहाँ पे 28 बाय 20 इज लोएस्ट रेशियो, तो 25 डिवाइडेड बाय 20 is lowest ratio, then 28 divided by 20. So 25 divided by 20 matlab 5 divided by 4. Section A. So section A has lower ratio. So section A has lower ratio of pen users. Section A has a lower ratio of pen users to pencil users. जब कभी भी compare करना है तो पहले equivalent ratio में convert करके फिर उसका numerator को check करना है कि कौन सा number less than or greater than है, फिर उसके साथ अगर लेस देन हुआ तो वो लोएस्ट रेशियो होगा और ग्रेटर देन है तो दैट इज द ग्रेटेस्ट रेशियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स लोग के साथ इसको लाइक और शेयर करने के लिए मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ इस चैनल को और इस वीडियो को भी शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। If you have not subscribed my YouTube channel, then please subscribe my YouTube channel.
And if you have any doubts, then please write in comment section and I will reply. Keep learning, keep watching, and please subscribe my YouTube channel. Thank you. If you like this video, then please click the like button and share this. If you have not subscribed my YouTube channel, then please subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for getting notifications of future videos. If you have any doubts, then please write in comment section and I will reply. Keep learning, keep watching, and thanks for watching. Please subscribe my YouTube channel. Thank you.